सुप्रभात बच्चों, आज फिर से मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर आई हूँ। विषय हिंदी कक्षा पहली प्रथम कक्षा के लिए। विषय है हिंदी और पाठ चौथा आ मात्रा। पाठ नंबर हमने पिछले वीडियो में देखा था आपके आ मात्रा कैसे प्रयोग होता है, आ मात्रा का, और आ मात्रा से हम कैसे व्यंजनों को आ मात्रा लगाकर शब्द बना सकते हैं। तो आ मात्रा क्या है कि व्यंजन के आगे ध्वनि का प्रयोग किया जाता है और फिर उसमें लग जाती है आ मात्रा, फिर अगर क होगा तो हो जाएगा का। उसी तरह देखो कैसे प्रयोग किया था हमने, ह प्लस एक ध्वनि इज इक्वल टू हा। ये जो ध्वनि है वही आ मात्रा है। आ मात्रा लगाकर ह से हा बन गया, क से का बन गया। अब हमें जब तक आ मात्रा लगाकर क से शुरू व्यंजन को हम आ मात्रा लगाकर नए व्यंजन नहीं बनाते, उसी तक उसका प्रयोग करके हम दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द नहीं बना सकते। तो पहले हम देखेंगे व्यंजन के आगे ध्वनि का प्रयोग करने से व्यंजन में क्या बदलाव आता है। जैसे कि देखो क से हो गया का, ख से बन गया खा, ग से गा, घ से घा, न से ना, साइलेंट न, इसमें आ मात्रा का प्रयोग किया गया है। छ से चार, छ से छा, झ से चार, झ से छा, त से ता, था, दा, धा, ना, ताम, था, दा, धा, ना, पा, हा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, शा, स्रा, न्या, श्रा। इस तरह सभी व्यंजनों को आवाज का प्रयोग करके पारंपरिक जैसे क का की हम देखते हैं, उसी तरह से का, खा, गा, गा, ना, यह हमने श्रा का देख लिया। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले शब्द बना सकते हैं। जैसे कि चा, चाचा, दा, दादा, टाटा, फिर गा से गाजर। दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले कई तरह से शब्द बनते हैं। वैसे अ से आ, आग, र से रा, राधा, त से ता, तारा, कई सारे ऐसे शब्द बनते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में आपको बना बोला था कि आप दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले शब्दों की सूची बनाए, पर जब तक आप व्यंजन के आगे आ मात्रा लगाकर व्यंजन में बदलाव नहीं करते, जैसे कि का, खा, गा, घा, वह अच्छे से आप नहीं लिख सकते, तब तक नए शब्द नहीं बना सकते। तो हमने पिछले वीडियो में दो अक्षर वाले शब्द बहुत सारे देखे थे, आज हम देखने वाले हैं तीन अक्षर वाले शब्द। तीन अक्षर वाले शब्द कई सारे हैं, आप भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे देखिए, ये तीन अक्षर वाले शब्द, स से सा, सावन, उसके बाद बादल, ग से बा, बादल, ग से गा, गाजर, चावल, सारस, आकाश, हलवा, राघव, यह नाम है मकान। अब अगर ये शब्द कैसे बनाए तो देखिए, मकान म प्लस क प्लस व्यंजन के आगे दंडी प्रश्न, मकान, इस तरह से। इसके बाद चार अक्षर वाले शब्द देखिए, स जा बट ब ना बट, चार अक्षर वाले शब्द, पाठशाला, उसके बाद ट बन जाता है आ मात्रा वाले शब्द। और आ मात्रा वाले व्यंजन जब बनते हैं तो वो बनते हैं ऐसे, का, खा, गा, घा, ना, चा, छा, जा, झाटा, था, गा, घाना, ता, खा, गा, घाना, पा, खा,
और एक व्यंजन का जब भी उच्चार करने हो तो आ मात्रा या आ स्वर सुनाई देता है। तो इस तरह से व्यंजन के आगे हमेशा एक ध्वनि लगाने से व्यंजन में बदलाव हो जाता है, उसमें आ मात्रा का स्वर सुनाई देता है। इसे आ मात्रा का प्रयोग कहते हैं। आ मात्रा का प्रयोग करके हम कई सारे शब्द बना सकते हैं, दो अक्षर वाले शब्द, जैसे कि राधा, चाचा, दादा, ताल, इस तरह कई सारे शब्द हम बना सकते हैं। कई नए नए शब्द सूची हम अपने माहिती में, हम अपने जानकारी में बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप नए नए शब्द प्रयोग कीजिए। पहले व्यंजनों को आम कार्य दो तीन बार लिखिए, इसके बाद दो दो से ये शब्द पढ़िए, इसके बाद आपको समझ में आएगा आम मात्रा स्वर का या आम मात्रा का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। और इसी का प्रयोग करते हुए आप दो अक्षर वाले शब्द बना सकते हो, तीन अक्षर वाले शब्द बना सकते हो, चार अक्षर वाले शब्द भी बना सकते हो। और इन्हीं दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले या चार अक्षर वाले शब्दों को मिलाकर हम एक पूरा वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग वाक्य दिए हैं, जैसे सरला राजा था, उसके बाद राधा दास चादर पक गए, कई सारे छोटे बड़े हम वाक्य बना सकते हैं। आग मत जला, राजा बाजा बजा, माला लाकर सजावट कर, हम कई सारे छोटे छोटे दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द, चार अक्षर वाले शब्दों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें आ मात्रा क्या है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, वो अच्छे से आना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप घर पे क्या करिए बच्चों, आ मात्रा का प्रयोग करते हुए का से शुरू सारे व्यंजन दो तीन बार लिखिए, उसके बाद उसे जोर जोर से पढ़िए और इन्हीं व्यंजनों का प्रयोग करते हुए दो अक्षर वाले नए नए शब्द बनाइए। तीन अक्षर वाले जैसे यहाँ में दिए हैं, सावन, बादल, गाजर, चावल, साल, आकाश, बलवा, इससे भी जुड़ा जुड़ा अलग अलग शब्द हम बना सकते हैं, नए नए शब्द बना सकते हैं। इसी तरह चार अक्षर वाले शब्द भी आप बना सकते हो, जैसे कि बनावट, पाठशाला, मांडव, वर्ता, इससे अलग अलग नए नए शब्द, उपवन, उपहार, उसके बाद ऐसे अलग अलग शब्द, जैसे हमें देखे नहीं होंगे या सुने नहीं होंगे, इस तरह से इसका कोई अर्थ नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्द आप बना सकते हो, तो आप इसकी जरूर सूची बनाइएगा। धन्यवाद, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप उसे जोर जोर से यह व्यंजन लिखकर पढ़िए और लिखिए। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज फिर से कक्षा पहली प्रथम कक्षा विषय हिंदी पाठ 6 आ मात्रा, जैसे आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ आ मात्रा भाव के। पिछले वीडियो में हमने भाव 2 देखा था, आ मात्रा लगाकर का खा बा खा ना चा छा झा झा टा था डा ढा ना ता था डा धा ना पा हा बा हा मा या रा ला वा शा शा सा हा क्षा का न्या शा। इस तरह से हमने आ मात्रा लगाकर व्यंजन बनाए थे। उसके बाद आ मात्रा का प्रयोग कैसे किया था, व्यंजन के आगे गति मिला दी थी, इस तरह से अ से हा क से का बन गया था। वैसे ही हमने दो अक्षर वाले शब्द देखे थे कई सारे, तीन अक्षर वाले शब्द देखे थे और चार अक्षर वाले शब्द भी देखे थे, वो हमने जो जो से पढ़े थे लिखे थे और आपको सूची बनाने के लिए भी कहा गया था। अब आज के वीडियो में हमें क्या देखना है, यही दो अक्षर वाले शब्द जो आ मात्रा लगे हुए हैं, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द, सभी को मिलाकर जो छोटे छोटे वाक्य बनते हैं, आज हम वाक्यों को बनाने वाले हैं। जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आ मात्रा में, कि वाक्य बनाइए, पढ़िए और लिखिए, वाक्य बनाइए, पढ़िए और लिखिए। चलो तो फिर आज हमारा पहला वाक्य हम देखते हैं, दाल चावल पक गए। देखिए दाल दो अक्षर वाला शब्द है, चावल तीन अक्षर वाला शब्द है और ये सिंपल व्यंजन है, पक गए, दाल चावल पक गए, दो तीन चार अक्षर वाले शब्दों को मिलाकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना सीखना है। आपको भी यह घर पे बैठ के नए नए वाक्य बनाने हैं। आगे चलते हैं, हाथ साफ कर, हाथ साफ कर, आग मत जला, सभी दो अक्षर वाले शब्द हैं और आ मात्रा लगे हुए, आग मत जला, आग मात्रा लगे
बात तो और हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे माला लाकर रख, माला लाकर रख, टमाटर मत खा, टमाटर मत खा, भला बर्ताव रख, भला बर्ताव व्यवहार रख, रत्ना सारा सामान रख, रत्ना एक नाम, रत्ना सारा सामान रख। उसके बाद राधा खाना खा, राधा खाना खा, राधो पाठशाला जा, राधो पाठशाला जा, सरला हलवा बना, सरला हलवा बना, रमा गाजर खा, रमा गाजर खा, माला चाय बना, माला चाय बना, राधा दाल चावल ला, राधा दाल चावल ला। एक बार फिर से हम देखते हैं कई सारी छोटी छोटी हमने वाक्य बनाए हैं। देखिए पहला वाक्य, दाल चावल पक गए, हाथ साफ कर। तीसरा वाक्य, आग मत जला। चौथा वाक्य, सावन आया। इसके बाद माला लाकर रख, टमाटर मत खा, भला बर्ताव रख, रत्ना सारा सामान रख, राधा खाना खा, राधो पाठशाला जा, सरला हलवा बना, रमा गाजर खा, माला चाय बना, राधा दाल चावल ला। आपको ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, कई सारे 15-20 तो बना ही लेंगे आप। तो पहले आ मात्रा के प्रयोग में क्या होता है, व्यंजन क्या है, गंधि का प्रयोग होता है और फिर व्यंजन का स्वरूप बदल जाता है, उसे आ मात्रा लग जाती है। जैसे कि क होगा तो हो जाएगा का, आ स्वर निश्चय देगा, क हो तो खा। इस तरह से हमने क से लेकर श्र को हमने का से लेकर श्रा बना दिया था, उसी से लेकर हमने छोटे छोटे वाक्य बनाने, छोटे छोटे शब्द बनाने शुरू कर दिए थे। दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द, जैसे कि राधा तारा आग, ये दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द बादाम गाजर सारस, चार अक्षर वाले शब्द कौन से देखे थे, सजावट बनावट उपहार, कई सारे शब्द देखे थे। तो ऐसे ही दो अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्दों को तीन अक्षर वाले शब्दों को मिलाकर हमने छोटे छोटे वाक्य बनाने सीखे हैं। आपको घर में क्या करना है, फिर से एक बार आ मात्रा लगाकर क से श्र को का से श्रा को बना देना है, दो तीन बार का से श्रा को सारे व्यंजन पढ़ने हैं, उन्हीं व्यंजनों की मदद से दो अक्षर वाले शब्दों की सूची बनानी है, तीन अक्षर वाले शब्दों की सूची बनानी है और चार अक्षर वाले शब्दों की सूची बनानी है। फिर धीरे धीरे क्या करना है, इन्हीं दो अक्षर वाले शब्द चार अक्षर वाले शब्द और तीन अक्षर वाले शब्दों का मिला करके आपको छोटे छोटे वाक्य बनाना चाहिए, आपको इसकी शुरुआत करनी होगी। इससे अर्थपूर्ण आप वाक्य बना सकते हो। वाक्य बनाना नहीं है सिर्फ, वाक्य बनाना सीखना है, उसके बाद वाक्यों को पढ़ना है और उसके बाद लिखना है। छोटे छोटे वाक्य बनाइए, उसे जोर से पढ़िए और लिखिए। एक बार फिर से देखिए, जैसे कि दाल चावल पक गए, हाथ साफ कर, आग मत जला, सावन आया, माला लाकर रख, कई सारे छोटे छोटे वाक्य आप बना सकते हो। उसे पढ़ो, पढ़ने भी आना चाहिए और धीरे धीरे लिखिए भी। आपका लेखन सुलेखन होना चाहिए, अक्षर आपका सुंदर होना चाहिए, इससे आप हिंदी अच्छे से धीरे धीरे लिखना सीखोगे, बोलना सीखोगे। तो मुझे लगता है कि आपको आ मात्रा आज यहाँ पे पाठ हमारा खत्म होता है। आ मात्रा में हमने व्यंजनों के आगे डंडी लगाकर का से श्रा को कई सारे व्यंजन बना लिए थे, फिर दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास किया, इसके बाद छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखा है। आपको ये सब कर इसकी तैयारी करनी है। आज हमारा छठा पाठ
आ मात्रा यहाँ पे खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसका सराव जरूर कीजिए। बहुत सारे शब्द सूची बनाइए, दो अक्षर वाले शब्दों की, तीन अक्षर वाले शब्दों की। जितनी ज्यादा शब्द सूची आपके पास होगी उससे कई सारे उसकी मदद से आप वाक्य बना सकते हो। इस तरह से आ मात्रा ने क्या बताया ये आपके समझ में आया होगा और आप इसका सराव जरूर करिएगा। धन्यवाद।